आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा की अद्भुत झलक है बेड़ू बाजार टाण का पढ़ा जत्रा महोत्सव। आदिवासी समाज अपने पूर्वजों के समय से चली आ रही परंपरा और संस्कृति उन धरोहरों को आज भी साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे कायनात के सबसे अनमोल रत्न है प्रकृति और आदिवासी। प्रकृति से अच्छा और आदिवासी से सच्चा कोई नहीं। कुदरत के करीब रहने वाले आदिवासी प्रकृति के प्रहरी हैं, प्रकृति के पूजक हैं और प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक हैं। आदिवासी जीवन शैली अद्भुत है, अलौकिक है। इस बार डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत पूर्व कुलपति के अगुवाई में बेड़ो बाजार टाण का प्रतिष्ठित पढ़ा जत्रा महोत्सव अपना 58वां वर्ष पूरा कर रहा है। जत्रा महोत्सव में खास से लेकर आम तक, शहर से लेकर गांव तक के ग्रामीण शिरकत किए और इस भव्य कार्यक्रम का साक्षी है। धनी धनी भगत जी, धनी धनी करम चांद, धनी धनी करम चांद, धनी धनी करम चांद, जतरा लगाला ही जतरा ला गाला ही पढ़ा ला गाला। देश दुनिया में नाम के जा गाल है यू तो नाम के जागाल, ओ देह साधु निया में नाम के जा गाल है यू तो नाम के जा गाल है यू तो नाम के जागा। आज से 58 वर्ष, ये 58वां वर्ष है। 1967 में हमारे पिताजी स्वर्गीय कर्मचंद भगत जी ने इस पढ़ा यात्रा की शुरुआत की थी। इस पढ़ा जत्रा को शुरू करने का जो उद्देश्य था उनका, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं को बचाते हुए, बढ़ाते हुए समाज को जोड़ने का काम था। और आज आप देख सकते हैं यह पूरा समाज एकजुट है। आज कम से कम 20-25 पढ़ा के लोग शुरू करें तो 21 पढ़ा हैं, 22 पढ़ा के लोग हैं, 4-12 पढ़ा के लोग हैं, 10 पढ़ा, 5 पढ़ा, 7 पढ़ा, तो इतने सारे पढ़ा के लोग यहाँ पर जुटते हैं, अपना एकता का प्रदर्शन करते हैं, अपने प्रेम भाव का प्रदर्शन करते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में एक दूसरे का साथ देने का संकल्प करते हैं। और ये सारी बातें जो हैं इस पढ़ा यात्रा के कारण संभव हो पाई है। झारखंड में यूँ तो सभी समाजों में अलग अलग नामों से यह व्यवस्था कायम है, हमारी यह स्वशासन व्यवस्था है, लेकिन यह पढ़ा जत्रा ही है जो कि उरांव समाज में आज भी पूरी मजबूती के साथ स्थापित है और तनिक भी अपने उद्देश्य से विचलित नहीं है।
आज हम अगर एकजुट हैं, आज हमारी संस्कृति बची हुई है, तो उसमें इस पाड़ा जतरा का एक बहुत बड़ा योगदान है। सभी लोग यहाँ पर आते हैं अपने पारंपरिक वेशभूषा में, अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ में, ढाक, ढोल, नगाड़ा, मांदर, झांझ के साथ नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और यही तो उनके इस पाड़ा जतरा लगाने का उद्देश्य था। यह कार्यक्रम अपने आप में पूरी तरह से सफल था। हर साल जब ये 3 जून को पाड़ा यात्रा होता है, तो मेरा नाम अक्षत भगत है, मेरे दादाजी करमचंद भगत जी ने ये सारा जत्रा का कार्यक्रम शुरू किया था। और मेरे लिए और सारे जो भी नौजवान यहाँ पे आ रहे होंगे, एक ये दिन, जैसे मैं खुद मुंबई में रहता हूँ, काम मेरा सारा मुंबई में है, लेकिन हर साल इसे एक दिन के लिए यहाँ पर आना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, बाकी लोग भी, सभी लोग एक साथ जो इकट्ठा होते हैं, तो जत्रा के बहाने सब लोग अपने कल्चर से, अपने परंपरा से जब जुड़ते हैं, तो वो देख करके बहुत अच्छा लगता है। मुंबई तो माया नगरी है, हाँ। और झारखंड अपना मतलब कि पेड़ पौधा जंगलों का प्रदेश है, हाँ। और आप चूंकि ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कैसा लगता है उस जगह चौंध से जो वो माया नगरी है वहाँ से यहाँ? तो क्योंकि वो माया नगरी है, लेकिन उसका ये भी मतलब है कि वहाँ पे जितना शोर है, जितनी हलचल है, वहाँ से यहाँ आने के बाद जो शांति है, और झारखंड में खास करके जो प्रकृति है, उसके बीच में रहने का जो सुकून है, उसका मुकाबला कहीं नहीं है। तो फिर यहाँ करके हमेशा अच्छा ही लगता है। बेड़ो बाजार टाण में पिछले दिन 3 जून को भव्य और आकर्षक पाड़ा जतरा महोत्सव का आयोजन किया गया। जतरा में शामिल अलग अलग दल के दर्जनों पाड़ा राजा के नेतृत्व में पाड़ा के प्रतीक चिन्ह के साथ लकड़ी के हाथी, घोड़े, रंपा चंपा पर पाड़ा राजा सवार होकर गाजे बाजे के साथ सम्मान पूर्वक कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते। भव्य मंच बनाया गया था, जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग मंच पर आसीन थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। लोक कलाकारों द्वारा कला का प्रदर्शन किया गया। जत्रा में हर उम्र के लोगों में खासा उत्साह और उमंग देखा गया। साल में एक बार आने वाले इस अवसर का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। जत्रा के बहाने लोग एक जगह जुटते हैं, अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। साल भर के कामकाज के बाद इस एक दिन को जी भर कर जीते हैं, खुद को तरोताजा करते हैं, एक ऊर्जा का संचार होता है, तमाम खुशियों को इस पल को समेट लेते हैं। मंच पर बैठे अतिथिगण जत्रा में आए हर उम्र के लोगों को संबोधित करते हुए समाज को जागरूक करते हैं, संदेश देते हैं, ताकि आदिवासी समाज अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के साथ साथ शिक्षा और अपने हक और अधिकार को पहचाने। सबसे पहले तो आज 3 जून, जो कि यहाँ के पारंपरिक जो है पाड़ा जतरा होते आ रहा है, ऐसे शुभ त्यौहार पर, ऐसे घड़ी पर मैं तमाम यहाँ के नागरिकों को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि पावन पवित्र त्यौहार हमारे जनजाति समुदाय में
एक पढ़ा जत्रा जो जेठ महीना में लगता है, खेती बाड़ी जिस समय प्रारंभ होता है उस समय में पूजा पाठ करके लोग एक मिलन का कार्यक्रम, जत्रा का कार्यक्रम करने के बाद खेती बाड़ी में लगते हैं। ऐसे उत्सव महोत्सव में आज पूरे इस क्षेत्र के लोग आए हैं। निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र के जो है बहुत ही कर्मठ समाज सेवी अपने स्वर्गीय करमचंद भगत जी ने इसको बृहत रूप से इन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया था। आज यह विशाल रूप दिखाई दे रहा है और आज के दिन में हमारे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र कुमार भगत जी और यहाँ कई समाज सेवी लोग इस मेला का नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनजाति समुदाय का एक ऐसा पारंपरिक यह मेला है जिसको पढ़ा जत्रा के नाम से जानते हैं। सामाजिक जो ताना बाना है उस सामाजिक ताना बाना में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव के अंदर जिस प्रकार से समाज को एक साथ सशक्त करके, एकजुट करके आगे ले जाने के लिए पुरखों ने जो एक व्यवस्था बनाई थी, उस व्यवस्था के अंतर्गत समाज के सभी प्रकार के कुछ भी बातें हो उन बातों को वहीं पर समन्वय करते हुए समाधान करना और आगे बढ़ना, इस प्रकार से पढ़ा की व्यवस्था है। और उन व्यवस्था के अंतर्गत आज हमारे नए पीढ़ी के नए लोग भी इसको अनुपालन करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हमारे सन्नी टोप्पो जी हैं, यहाँ पर हमारे रविंद्र कुमार भगत जी हैं, रामनारायण भगत जी हैं, यहाँ चंद्रकिशोर जी हैं और हमारे राय जी हैं। इस प्रकार से समाज के सभी लोग सामाजिक समरसता के साथ समन्वय मनाते हुए इस मुड़मा जत्रा को मना रहे हैं ताकि समाज में सब लोग समरस होकर के आगे बढ़ें, यही इस मेले का उद्देश्य है। आज यहाँ पे बतौर मुख्य अतिथि या विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होके आज गौरवान्वित हूँ, इस बात को लेकर कि इस सबसे प्राचीन सभ्यता का एक बेटी हूँ और गौरवान्वित हूँ इस बात को लेकर कि इतना पुराना सभ्यता और जिस पढ़ा व्यवस्था के लिए इस मांडा क्षेत्र को जाना जाता है उस क्षेत्र का नेतृत्व करने का एक मौका मिला है। आज यहाँ आके अति खुशी महसूस हो रहा है और खास करके इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए इस पढ़ा जत्रा के संरक्षक डॉक्टर रविंद्र नाथ भगत जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और मंच पर उपस्थित तमाम हमारे जितने भी पढ़ा राजा कोठवार दीवान उपस्थित जो हुए हैं सभी लोगों को हम अपने तरफ से आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी को हमारे तरफ से जय धर्मेश जुहार। आप लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज है, यहाँ पे 32 जनजाति है और 32 जनजाति में सभी जनजाति का अपना अपना एक न्यायिक व्यवस्था है। हम लोगों का पूर्वज लोग बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, डिग्री नहीं था, MBA नहीं था, मगर बौद्धिक रूप से बहुत ज्ञानी था और जिस समय में कचहरी थाना तमाम चीज नहीं हुआ करता था वैसे समय में ऐसा प्रशासनिक और न्याय के लिए व्यवस्था बनाया जिसको आज उरांव समाज में पाढ़ा व्यवस्था बोलता है। मुंडा समाज में जाइएगा तो उसको मानकी मुंडा बोलता है, संथाल समाज में जाइएगा तो वही व्यवस्था को माझी परगना बोलता है, खड़िया समाज में जाइएगा तो
वही व्यवस्था को ढोकलो सोहर बोलता है, अलग अलग नाम से वही व्यवस्था है। इतना ही ताकतवर व्यवस्था कि हम लोगों का पूर्वज लोग उस समय ना कोर्ट था ना कचहरी था ना थाना था। जब कभी भी कोई पारिवारिक समस्या आता, सामाजिक समस्या आता, कोई भी विवाद उत्पन्न होता, सब लोग इसी व्यवस्था में जाके न्याय ढूंढता था। और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था था, जो सब लोग सही बोलता वही चीज सही होता था। और आज इसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, इसी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए हम और आप ये पाढ़ा जत्रा यहाँ बेड़ों में मनाते हैं। आज यहाँ पे विभिन्न पाढ़ा राजा लोग आते हैं, उनको मान सम्मान हम लोग देते हैं, क्योंकि समाज का भार उन लोगों के ऊपर आज भी है जो व्यवस्था को हम लोगों के पूर्वज लोग ने कायम किया। आज वो व्यवस्था क्यों कमजोर हो रहा है? कोई भी व्यवस्था कमजोर क्यों होता है? व्यवस्था कभी कमजोर नहीं होता है दोस्तों, लोग कमजोर हो जाते हैं। हम और आप कमजोर हुए हैं, इसीलिए हम लोगों का व्यवस्था कमजोर हुआ। हम लगातार जब से चुनाव जीते हैं, पी पैसा कानून को लागू करने के लिए हम लगातार विधानसभा में आवाज उठाते आ रहे हैं। हमको तो अफसोस इस बात का होता है कि 24 साल हो गया है, 24 साल विधानसभा में किसी को समझ ही नहीं आता है कि पी पैसा कानून क्या है। लगातार बहस होता है, लगातार बहस होता है। आप लोगों ने देखा होगा इस चीज को, पी पैसा कानून का लागू होना क्यों जरूरी है, इसका नियमावली को लागू होना क्यों जरूरी है? ताकि यही पारंपरिक ग्राम सभा जो हम लोगों का है, पारंपरिक व्यवस्था जो है, ये बच सके। वहीं मेले में आए युवतियां, महिलाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नागपुरी गाने पर खूब थिरकते हैं। भीड़ अत्यधिक होती है, लेकिन सब अनुशासित और संयमित रहते हैं। पूर्व कुलपति डॉक्टर रविंद्र नाथ की अगुवाई में पूरी टीम पढ़ा जत्रा महोत्सव का आयोजन करने में सफल रही। Oh,